जो हमारे प्रीवियस सेशन थी, उस प्रीवियस सेशन में हमने बात करी थी विंडोज प्रोग्रामिंग हमने स्टार्ट करी थी। तो आज हम बात करेंगे कि विंडोज प्रोग्रामिंग में हम काम कैसे करेंगे। उस दिन हमने बात करी थी कि भाई हमारे पास 3 टेक्स्ट बॉक्स हैं। अब मुझे करना क्या है कि यदि मैं यहाँ पे नंबर डालता हूँ, यहाँ नंबर डालता हूँ, बटन पे क्लिक करता हूँ, तो वो वैल्यू यहाँ पे आना चाहिए। हमें ये करना था। तो वो जो वैल्यू आना चाहिए वो कब आना चाहिए? जब मैं ऐड पे क्लिक करूँ तब। तो ऐड के क्लिक पे हम यहाँ पे कोड लिखेंगे। हमें काम कहाँ पे करना है? ऐड पे क्लिक पे। अब मैं यहाँ पे ऐड के क्लिक पे यहाँ पे काम करता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ? सबसे पहला काम मुझे क्या है, यहाँ पे जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है उससे वैल्यू लेना है। तो हम यहाँ पे बोलते हैं int n इज इक्वल टू और मैं यहाँ पे बोलता हूँ टेक्स्ट बॉक्स 1.txt। उस टेक्स्ट बॉक्स से मैं यहाँ पे वैल्यू ले रहा हूँ। ठीक, ये जो वैल्यू आप यहाँ पे ले रहे हो, अभी देखो ये रेड हो रहा है। रेड क्यों हो रहा है ये वैल्यूज? ये जो वैल्यू अभी आप यहाँ पे ले रहे हो, तो ये थोड़ा सा मैं इसका साइज बड़ा कर दूँ, थोड़ा सा विजिबल सही हो जाएगा। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पर मैं कर दूँ यहाँ पे int n इज इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स 1.txt। देखो अब ये रेड हो क्या आ रहा है। ये विजुअल स्टूडियो ना, विजुअल स्टूडियो की अपनी खासियत है, ये सारी चीज़ें आपको खुद बखाब बता देते हैं। मतलब ये आपके फ्रेंड की तरह काम करता है एक तरह से, ये आपका दोस्त है। ये देखो अरे मैं यहाँ पे क्लिक कर्सर ले जाऊँ तो ये बता रहा है। पढ़ो क्या बता रहा है। कैन नॉट इम्प्लीशियटली कन्वर्ट टाइप स्ट्रिंग टू इंट। भाई इसका सीधा सा मतलब है कि स्ट्रिंग जो टेक्स्ट से वैल्यू जा रहा है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में जा रहा है, स्ट्रिंग को वो इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है। तो ये नहीं कर पा रहा है तो आप कर दो। तो स्ट्रिंग से इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? इंट डॉट पार्स। ये देखो इंट डॉट पार्स, अब मैंने ये डाल दिया तो ये हमने पहला टेक्स्ट बॉक्स ले लिया। अब इसी तरीके से मुझे यहाँ पे क्या करना है? दूसरा टेक्स्ट बॉक्स लेना है। तो हम यहाँ पे बोलते हैं int m इज इक्वल टू, अब मैंने यहाँ पे दूसरा टेक्स्ट बॉक्स ले लिया। ले लिया, अब जो हमारी वैल्यू है वो यहाँ पे आ गई। अब मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ? मैं बोलता हूँ int sum इज इक्वल टू n+m। इन दोनों को मैंने यहाँ पे सम कर दिया। अब सम करने के बाद वैल्यू हमारे यहाँ पे आ गया। अब मुझे क्या करना है? वापस ये जो सम आया है इस वैल्यू को लेके कहाँ डालना है? टेक्स्ट बॉक्स 3 में डालना है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा? मैं यहाँ पे बोलता हूँ टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू, मुझे यहाँ पे क्या डालना है? सम। लेकिन यदि मैं केवल सम दे दूँ तो ये भी अपने आप में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम फिर से कर्सर ले जाओ, यहाँ पे क्या बता रहा है? ये प्रॉब्लम बता रहा है कि कैन नॉट इम्प्लीशियटली कन्वर्ट टाइप इंट टू स्ट्रिंग। भाई अब तुमने इंटीजर को, तुम यहाँ पे ये हमारा इंटीजर है और टेक्स्ट में जब भी वैल्यू जाता है तो स्ट्रिंग जाता है। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा? इस इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होगा। तो मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ? डॉट टू स्ट्रिंग। टू स्ट्रिंग होता है किसी भी चीज़ को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए। अब यदि मैं इसको रन करूँ यहाँ पे, अब मैं यदि अपने प्रोग्राम को रन करता हूँ और मैं यहाँ पे दो वैल्यू डालता हूँ तो वो वैल्यूज आपको यहाँ पे दिख जाएगी। विजुअल स्टूडियो के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि जो इसकी आईडी है, यदि आप उसको आईडी को आराम से देखोगे तो आपके सारे एरर्स वगैरह सब आपको नजर आएंगे कि कहाँ क्या दिक्कत आ रही है। अभी देखो कोई रेड नहीं है। रेड का मतलब कि भाई वहाँ पे आपने, ये देखो अब मैं यहाँ पे नंबर डालता हूँ, मैं नंबर डालता हूँ 77, मैं यहाँ पे डालता हूँ 88, मैं बटन पे क्लिक करता हूँ, ये देखो आ गया 154। कितना ईजी है भाई, आप जो भी नंबर यहाँ पे डालोगे, जो भी नंबर मैं यहाँ पे डालता हूँ, बटन पे क्लिक करता हूँ, ये वैल्यू हमारे यहाँ पे सामने है। लेकिन ये क्या, ये तो कुछ उल्टा आ रहा है, ऐसा क्या हो रहा है? भाई मान लो मैं यहाँ पे डालता हूँ 2, 1, मैं यहाँ पे डालता हूँ 2, बटन पे क्लिक करूँ तो ये 2 आ रहा है, ये क्या है? कहीं ना कहीं कुछ गलत है। गलत क्या है बताओगे? सामने दिख रही है मुझे गलती। तो ये देखो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स 1 को टेक्स्ट बॉक्स 2 में कन्वर्ट नहीं करा, मुझे करना होगा ना। तो जब हम वहाँ पे कोड लिखते हैं तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, इसे कन्वर्ट कर देते हैं टेक्स्ट बॉक्स 2 में। अब यदि मैं इसको रन करूँ, मैं यहाँ पे वैल्यू डालता हूँ 77, 88, ये देखो आ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे दिक्कत कुछ अलग तरह की दिक्कत है। चलो ये तो दिक्कत नहीं है, ये तो आपका ऐड होके आ रहा है। लेकिन अब यहाँ पे दिक्कत क्या है कि देखो मान लो मैंने यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दिया और यूजर जो होता है ना, वो भाई कस्टमर जो होता है किंग होता है, जो यूजर होता है किंग होता है, वो कुछ भी कर सकता है। मान लो मैंने पहला नंबर नहीं डाला और मैंने बटन पे क्लिक कर दिया। अब जैसे ही मैंने बटन पे क्लिक किया, अब ये एरर आ गई, अब ये एक्सेप्शन हैंडलिंग पे चला गया और ये मुझे, तो अब इस सिचुएशन से आप कैसे बचोगे? मतलब ये कोई तरीका नहीं है ना कि भाई आप इस तरह की एरर, भाई वहाँ पे एक प्रॉपर मैसेज डालो ना आप
कि भाई तुम बटन पर क्लिक तो कर रहे हो लेकिन इसमें वैल्यू कहाँ है। तो जब कभी मैं यहाँ पर ऐड करूँ तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर चेक कर लेना चाहिए। क्या चेक कर लेना चाहिए? मुझे यहाँ पर चेक करना चाहिए इफ़ टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू नल। यदि वो नल नहीं है, मतलब यदि वो नल नहीं है, एंड टेक्स्ट बॉक्स टू डॉट टेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू नल, मतलब यदि दोनों ब्लैंक नहीं है, दोनों हमारे ब्लैंक नहीं है, तब ये अपना काम करेगा। अदरवाइज क्या करोगे? अदरवाइज यहाँ पे मैसेज दे दो, else में हम यहाँ पे क्या देते हैं, हम यहाँ पे मैसेज दे देते हैं, हम यहाँ पे बोलते हैं मैसेज बॉक्स डॉट सो प्लीज एंटर वैल्यू। ये ज़्यादा बेहतर है। अब यदि मैं रन करूँ, अब यदि गलती से भी मैं बटन पे क्लिक कर लूँ, ये देखो, ओ मैंने यहाँ पे नल लिया था, तो वहाँ पे आप एक काम करो, नल के जगह बेहतर है नॉट इक्वल्स टू ये लगा दो। अब यदि मैं इसको रन करूँ, आ रहा है आपको मैसेज मिल रहा है प्लीज एंटर वैल्यू, मतलब यदि आपने यहाँ पे वैल्यू नहीं डाल रखा है तो वो एरर नहीं देगा, वो वैलिडेशन लगा दिया है आपने और यहाँ पे आपको मैसेज मिल रहा है प्लीज एंटर वैल्यू। अब यदि मैं यहाँ पे वैल्यू दे दूँ और फिर मैं क्लिक कर दूँ, फिर से वही आ रहा है। अब यदि मैं यहाँ पे वैल्यू दे दूँ, अब मैं बटन पे क्लिक करूँ, ये रहा हमारा रिजल्ट। बात समझ भाई? तो इस तरीके से हम यहाँ पे वैलिडेट करते हैं। देखो अब ये काम करने का एक तो ये देसी तरीका है, देसी तरीका मतलब आपने सीधा डाल दिया इफ टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट नॉट इक्वल टू, ये आपने स्पेस आपने नल यहाँ पे इस तरीके से आपने डाल दिया और हमने यहाँ पे, ये एक देसी तरीका है। इस चीज़ को यदि मैं यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, या तो हम ऐसे लिख लें या इसी काम को हम ऐसे भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, इफ स्ट्रिंग डॉट, स्ट्रिंग क्लास के अंदर में एक मेथड होता है इज नल और एम्प्टी। मैं बोलता हूँ स्ट्रिंग एक क्लास है और स्ट्रिंग क्लास के अंदर में एक मेथड होता है इज नल और एम्प्टी, ये चेक करता है कि कहीं आपने जो दिया है वो कहीं खाली तो नहीं है। तो मैं यहाँ बोलता हूँ इफ स्ट्रिंग दैट इज नल और एम्प्टी ऑफ टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट, टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट, ठीक। मतलब जो हम दे रहे हैं टेक्स्ट बॉक्स कहीं ऐसा तो नहीं खाली है, वो नल है, तो ये सारा कुछ अपना चेक कर लेगा। तो ये बेहतर है इन कम्पेयर टू, ये थोड़ा प्रोफेशनल देता है, लुक देता है, ये ज़्यादा बेहतर है इन कम्पेयर टू आप ऐसे लिखते हो। अब यदि मान लो मैं यहाँ पे ये नल चेक कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एम्प्टी भी चेक कर रहा हूँ, इफ स्ट्रिंग डॉट इज नल और एम्प्टी ऑफ टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू ट्रू, यदि वो ट्रू है, ठीक है, नॉट इक्वल टू ट्रू, एंड अगेन मुझे यही काम करना है यहाँ पे, इफ स्ट्रिंग डॉट इज नल और एम्प्टी ऑफ, तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ स्ट्रिंग डॉट इज नल और एम्प्टी ऑफ टेक्स्ट बॉक्स टू डॉट टेक्स्ट नॉट इक्वल टू ट्रू, अरे ये खाली तो नहीं है, तो मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। अब यदि मैं यहाँ पे रन करूँ, ये देखो, अब मैं यहाँ पे कुछ भी ना दूँ, ये रहा एरर मैसेज। यदि मान लो मैं यहाँ पे स्पेस दे के छोड़ दूँ, ये रहा जी आपका एरर मैसेज। मैं यहाँ पे नंबर दे दूँ, अब नंबर मैं यहाँ पे देता हूँ, ये देता हूँ, आपने ये काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आई बात? कभी भी यदि आपको टेक्स्ट बॉक्स को चेक करना है कहीं खाली तो नहीं है, तो आप वहाँ पे बेहतर ऑप्शन क्या होगा, आप यहाँ पे ये लगाया करो। क्या लगाओगे? इफ स्ट्रिंग डॉट इज नल और एम्प्टी ऑफ टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट इज इक्वल नॉट इक्वल्स टू ट्रू, एंड स्ट्रिंग डॉट इज नल और एम्प्टी टेक्स्ट बॉक्स टू डॉट टेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू ट्रू, मतलब कहीं भी कोई खाली नहीं है, सब वैल्यू वैल्यू आ गया, तो आप अपना यहाँ पे सम करके दिखा दो। समझ में आई बात? लेकिन अभी आपके इस रिजल्ट में एक समस्या है। अब यहाँ पे समस्या क्या है, देखो जनता कुछ भी कर सकती है। मान लो तुमने यहाँ पे ये डाल दिया, और यहाँ पे मैं ये रिजल्ट आया। अब इस रिजल्ट को यदि मैं चेंज कर दूँ तो तुम मेरा क्या कर लोगे भाई? रिजल्ट तो मैं चेंज कर नहीं सकता हूँ, टेक्स्ट बॉक्स थी, मैंने रिजल्ट चेंज कर दिया। तो आप लोगों को ऐसा प्रिविलेज क्यों दे रहे हो कि वो रिजल्ट को चेंज कर पा रहा है? तो आप एक काम करो ना, थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन लगा दो उस पर। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये जो टेक्स्ट बॉक्स है
भाई इसमें आप एंट्री तो करोगे नहीं, तो मैं यहाँ पे इसके प्रॉपर्टीज में आता हूँ। और यहाँ पे इसकी जो प्रॉपर्टी होती है एक होता है रीड ओनली, तो मैं यहाँ पे रीड ओनली में क्या करता हूँ, मैं रीड ओनली में यहाँ पे कर देता हूँ ट्रू। अब जैसे मैं यहाँ पे रीड ओनली को ट्रू कर दूंगा, अब देखो अवधि में यहाँ पे रन करूँ, अवधि में यहाँ पे रन करूँ, अब मैं यहाँ पे डालता हूँ, अब मैं यहाँ पे डालता हूँ, देखो अब इसमें आप कुछ लिख नहीं सकते भाई, आपने रीड ओनली ट्रू कर दिया है। अवधि में यहाँ पे ये डाल दूँ, यहाँ पे ये डाल दूँ, अब मैं बटन पे क्लिक करूँ, रिजल्ट आपके सामने है। और इस रिजल्ट में तुम कोई चेंजेस नहीं कर सकते, आप इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते, क्यों, चूँकि आपने वहाँ पे क्या कर दिया, रीड ओनली इज इक्वल टू ट्रू। लेकिन अभी भी मुझे कुछ समस्या दिख रही है आपके इस छोटे से एप्लीकेशन के अंदर। अब एक समस्या मुझे यहाँ पे क्या दिख रही है कि तुम यहाँ पर नंबर डाल रहे हो। चलो अभी मान लो मैं नंबर की ही बात करता हूँ, अब यहाँ पर नंबर का कोई ना कोई रेंज तो होना चाहिए। ये देखो अब ये कोई बात हुआ, तुम डाले जा रहे हो, अरे कुछ रेंज तो होना चाहिए भाई, कुछ लिमिट तो होना चाहिए कि मैक्सिमम कितना डिजिट तक लेगा। तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, दोनों को एक साथ सेलेक्ट कर लेता हूँ, F4 प्रेस करता हूँ, F4 होता है प्रॉपर्टीज के लिए। ये देखो प्रॉपर्टीज आ गया, और यहाँ देखो रीड ओनली इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ ट्रू, ठीक, सॉरी रीड ओनली मैंने क्यों ट्रू कर दिया, मैं इसे फॉल्स करता हूँ। अब मैं यहाँ पे ले लेता हूँ मैक्स लेंथ, ये देखो मैक्सिमम लेंथ इसका है 32767, इतना कैरेक्टर डाल सकते हो, पागल हो जाएगा ये सम करके। तो एक काम करो मैं इसका लेंथ देता हूँ 5, तो 5 का मतलब क्या, मैक्सिमम इसमें कितना डिजिट आप ले सकते हो, 5 डिजिट तक आप ले सकते हो। अब यदि आप इसको रन करो, ये देखो अब आप इसमें मैक्सिमम 5 डिजिट तक की वैल्यू को डाल सकते हो, ये देखो ये 5 डिजिट तक ही लेगा, ये देखो, समझ में आई बात, चलो ये अच्छी बात है भाई। आपने नंबर ऑफ डिजिट भी फिक्स कर दिया, आपने रीड ओनली भी बना दिया, जनता आदि इसे खाली छोड़ देती है, बटन पे क्लिक करती है, तो आपने मैसेज भी दे दिया है ना। लेकिन अभी यहाँ पे एक समस्या है, समस्या क्या है कि भाई मुझे नंबर ही तो डालना है, तब मेरा मन कर रहा है ये डालने का, तो मैं ये डाल देता हूँ। अब जैसे ही तुमने ये डाल दिया, अब ऐड पे क्लिक किया, ये देखो एरर आ गई। तो आपको देखो एज ए प्रोग्रामर का काम केवल ये नहीं होता कि हम प्रोग्राम बना दें आउटपुट आ जाए, जी नहीं, हमें सारे इफ एंड बट सोच के चलने होते हैं। कल के डेट में देखो इसको प्रोग्रामर बोलना सही टर्म नहीं है, बेसिकली वी आर द सॉल्यूशंस प्रोवाइडर, हम लोग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। तो सॉल्यूशंस क्या होना चाहिए, जो सॉल्यूशन होना चाहिए रोबस्ट होना चाहिए, सॉल्यूशंस के अंदर कोई कमियां ना हो, तो हमें वहां पे सारी वैलिडेशन सारी चीज़ें लगा के रखनी पड़ती हैं। अब यहां पे समस्या ये है कि यदि मैं यहां पे अल्फ़ाबेट दे दूं, तो ये रोक तो देखो रहा नहीं है। यदि मैं यहां पे अल्फ़ाबेट दे दूं, ये देखो अब मैं यहाँ पर बोलता हूँ प्लीज़ एंटर वैल्यू, यहाँ भी मैंने दे दिया अल्फा नंबर दे दिया। अब मैं बटन पर क्लिक करूँ, अब ये एक्सेप्शन निकाल के यहाँ पर दे रहा है। तो मुझे यहाँ पर कायदे से ये जो हमारे टेक्स्ट बॉक्स है, इस टेक्स्ट बॉक्स में चेक कर लेना चाहिए कि टेक्स्ट बॉक्स में तुम दे क्या रहे हो। टेक्स्ट बॉक्स में भाई आपने जो दिया है, यदि वो नंबर है या डिजिट है, तो मैं यहाँ पर क्या चाहता हूँ, मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि भाई इसके कई तरीके हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैंने यहाँ पर ए लिखा तो वो एरर दे दे, जैसे मैंने बी लिखा तो वो एरर दे दे। अभी क्या है, ये मुझे अलाउ कर रहा है लिखना, मैं चाहता हूँ जैसे मैंने ए लिखा तुरंत एरर आ जाए, और ए लिखना भी नहीं चाहिए और एरर भी आ जाए। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब देखो मैं चाहता क्या हूँ, मैं चाहता हूँ जब मैं लिखना शुरू करूँ वो एरर दे दे। तो आपको यहाँ पे इवेंट लेना है, इवेंट कौन सा लेना है, हम यहाँ पे करते हैं डबल क्लिक करते हैं। अब जैसे डबल क्लिक कर दोगे ना, देखो ये कौन सा इवेंट आ गया, टेक्स्ट चेंज इवेंट आ गया। टेक्स्ट चेंज पे हमें काम नहीं करना है भाई, हमें यहाँ पे टेक्स्ट चेंज पे काम नहीं करवाना, ठीक। हम यहाँ पे क्या करते हैं, मैं यहाँ पे इन दोनों को यहाँ से हटा देता हूँ, एक गलती से मैंने क्लिक कर दिया और ये यहाँ पे इवेंट बन के आ गया, फालतू है इसको हटा दो। अब जैसे ही तुमने इसको हटा दिया ये एरर दे देगा। अब देखो मैं रन कर रहा हूँ अपने कोड को, अभी एरर आ गई, अब ये एरर क्या आ गया, कभी भी जब ऐसे पूछे ना कि देयर इज द बिल्ड एरर, वुड यू लाइक टू कंटिन्यू रन द लास्ट सक्सेसफुल बिल्ड, हमें लास्ट वाले को बिल्ड नहीं करना भाई, इसी को बिल्ड करना है, तो यहाँ पर नो कर दे, ठीक। अब ये देखो एरर आ गई, एरर क्या आ गया, तुमने टेक्स्ट चेंज को यहाँ से तो हटा दिया, लेकिन होता क्या है कि जो विजुअल स्टूडियो है वो डिजाइनर विंडो मेंटेन करता है, तो डिजाइनर विंडो में ये हमारा कोडिंग विंडो है, देखो ये यहाँ पर डिजाइनर विंडो एक मेंटेन करता है ये। यदि मैं यहाँ पर सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में जाऊँ, तो सॉल्यूशन एक्सप्लोरर के अंदर एक होता है हमारा डिजाइनर विंडो।
अब यदि मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये डिजाइनर विंडो में पहुँच गया। ये देखो फॉर्म वन डॉट डिजाइनर डॉट सी एस, ये जो डिजाइनर विंडो होता है ये रन टाइम में जब भी आप टेक्स्ट बॉक्स डालते हो, देखो जो कुछ भी आपने टेक्स्ट बॉक्स पे कलाकारी करी है वो यहाँ पे चेंज होकर आ रहा है। तो राइट क्लिक करके जो तुम प्रॉपर्टीज करते हो, जो भी चेंजेस करते हो, डिजाइनर विंडो में आता है। अब तुमने डबल क्लिक करा तो यहाँ पे उसकी इवेंट जनरेट हो गई। और कौन सी इवेंट जनरेट हो गई? टेक्स्ट चेंज। लेकिन समस्या ये है कि तुमने यहाँ से टेक्स्ट चेंज को हटा दिया। अब यहाँ से हटा दिया तो इसलिए बेचारा परेशान हो रहा है कि डिक्लेयर तो किया लेकिन इसकी बॉडी कहाँ है। तो आप एक काम करो, इसको यहाँ से हटा दो। तो जब आप वहाँ से हटाओगे तो यहाँ से भी हटाओगे, ध्यान रखना। अब मैं फिर से यहाँ पर आता हूँ, ये टेक्स्ट चेंज। और देखो बहुत ज़्यादा घूमने की जरूरत नहीं है डॉट नेट में कि इधर उधर घूम रहे हैं। भाई साहब यहाँ पे घूमोगे पूरा लॉकडाउन चलता है यहाँ पे, ज़्यादा घूमोगे तो दिक्कत आ जाएगी, कोड में प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक, तो बेहतर यह है कि आप इधर उधर मूव मत करो बहुत ज़्यादा। आप डबल क्लिक करो, अपने काम से काम रखो, आगे निकलो। मैं इसको फिर से हटा देता हूँ। अब ये हमारा एरर यहाँ से गायब हो गया। अब मैं यदि अपने प्रोग्राम को लिखूँ, हमारा प्रोग्राम रन कर रहा है। तो इस बात का ध्यान रखना, किसी चीज़ को हटाने के लिए केवल ये नहीं है कि तुम फॉर्म से हटाओगे, इसको हम बोलते हैं इवेंट। तो केवल फॉर्म से तुम नहीं हटाओगे, तुम कहाँ से हटाओगे? तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स पर आता हूँ और टेक्स्ट बॉक्स के प्रॉपर्टीज में आता हूँ। ये देखो ये हमारा यहाँ पर प्रॉपर्टीज है, ये देखो यहाँ पर प्रॉपर्टीज आ रहा है। ये प्रॉपर्टीज पे क्लिक है, अभी ये प्रॉपर्टीज आ रहा है। ये कैटेगरी बाई लिस्ट है, ये देखो प्रॉपर्टीज की लिस्ट है। और ये अल्फ़ाबेटिकल लिस्ट है, ए वाले पहले आ गए, फिर बी वाले आ गए, फिर सी वाले आ गए। और ये प्रॉपर्टीज के अलावा ये यहाँ पर इवेंट है। इस टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर हम कौन से इवेंट लगा सकते हैं? अभी मान लो मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, ये देखो ये टेक्स्ट बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर इतने सारे इवेंट लग सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इवेंट लगाता हूँ की प्रेस के ऊपर। मैं चाहता क्या हूँ? मैं चाहता हूँ जैसे मैं ए को प्रेस करूँ इमीडिएट एक मैसेज आ जाए। तो मैं यहाँ पे की प्रेस पे डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ पे कोड लिखता हूँ। ये देखो मैं यहाँ पे की प्रेस पे आ गया, आ गया। अब मैं यहाँ पे की प्रेस पे क्या लिखता हूँ? मैं यहाँ पे बोलता हूँ इफ इफ। अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ कैर डॉट, कैर क्लास के अंदर में मैं यहाँ पे बोलता हूँ कैर डॉट, इफ कैर डॉट इस डिजिट ऑफ ई डॉट की कैर। अब ये ई क्या है? इज इक्वल इक्वल टू फॉल्स। मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ? अब ये ई क्या है? ई यहाँ पे की प्रेस इवेंट आर्क्स का ऑब्जेक्ट है, यानी कि जब भी तुम की प्रेस कर रहे हो उसका ये क्लास है, उसका ये ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे ये देखो लिखा हुआ है ना क्लास सिस्टम डॉट विंडोज डॉट फॉर्म्स की प्रेस इवेंट आर्क्स, ये की प्रेस इवेंट आर्क्स का क्लास है। तो इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? ई। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ? इफ कैट डॉट, कैर क्लास के अंदर में एक मेथड होता है इस डिजिट, हम चेक करते हैं जो कीबोर्ड से मैं कैरेक्टर दे रहा हूँ क्या वो डिजिट है। यदि वो डिजिट नहीं है इज इक्वल इक्वल टू फॉल्स। यदि वो डिजिट नहीं है, डिजिट नहीं है तो क्या करोगे? डिजिट नहीं है तो पहले बात तो मैसेज बॉक्स दे दो, मैसेज बॉक्स डॉट सो, और मैं बोलता हूँ डिजिट नॉट अलाउड, सॉरी ओनली डिजिट अलाउड, ओनली डिजिट अलाउड, सही है ना। अब यदि मैं इसको रन करूँ, अब यदि मैं इसको रन करूँ यहाँ पे, ये देखो अब यदि मान लो मैंने गलती से वो वहाँ पे ए प्रेस कर दिया, टेक्स्ट बॉक्स वन पे मैं काम कर रहा हूँ, अब मान लो मैंने यहाँ पे ए प्रेस कर दिया, ये देखो मैसेज आ गया ओनली डिजिट अलाउड। लेकिन दुखद स्थिति यह है कि वो ए आ रहा है यहाँ पे, आना भी तो नहीं चाहिए। मैंने दिया बी, वो बी आ रहा है यहाँ पे, आना भी तो नहीं चाहिए। तो अब आप ऐसा क्या कर लोगे कि इसको स्टॉप कर दोगे कि भाई तुम लिखते रह जाओ वो आएगा ही नहीं? तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे बोलता हूँ ई डॉट हैंडल, यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी होती है हैंडल। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ इसकी वैल्यू होती है ट्रू या फॉल्स। तो मैं बोलता हूँ ई डॉट हैंडल इज इक्वल टू ट्रू। अब यदि मैं इसको रन करूँ, अब यदि मैं इसको रन करूँ तो बेटा अब तुम कुछ भी कर लो लिखेगा नहीं, वो देखो ये लिखेगा ही नहीं, ये केवल डिजिट को ही अलाउ करेगा। अब यदि मैं यहाँ पे कुछ लिखना चाहूँ, अरे ये लिखना ही नहीं, क्यों? चूंकि ये केवल फिर किसको अलाउ करेगा? केवल डिजिट को ही अलाउ करेगा। समझ में आई बात? आपने बोला यहाँ पे, आपने चेक कर लिया। तो चलो ये काम आपने टेक्स्ट बॉक्स वन के साथ तो कर लिया, अब यही काम मुझे टेक्स्ट बॉक्स टू के साथ करना है। मैं राइट क्लिक करता हूँ प्रॉपर्टीज, और भी कई सारे तरीके हैं लेकिन मैं फिलहाल जो सबसे आसान चीज़ हो सकती है ये रहा हमारा टेक्स्ट बॉक्स टू। और टेक्स्ट बॉक्स टू के यहाँ पे प्रॉपर्टीज है हमारे की प्रेस। अब मैं यहाँ पे की प्रेस पे आता हूँ, ये हमारा रहा की प्रेस, और की प्रेस पे मैं यहाँ पे कोड लिखता हूँ, है ना। और मैं यहाँ पे क्या कोड लिखता हूँ, ये रहा जी। तो मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ, मैं यहाँ पे बोलता हूँ
यही वाला कोड रिपीट कर दो। मैं आप बोलता हूँ यहाँ पे भी हमारा ई है, सब कुछ है, इस चीज़ को हम मिनिमाइज भी कर सकते हैं, रिपीटेशन ऑफ कोड हो रहा है तो हम इसको हटा भी सकते हैं, और भी कई सारे तरीके हैं। फिलहाल मैं ऐसा ही करता हूँ, मतलब अब दोनों टेक्स्ट बॉक्स में कहीं भी यदि तुम ए डालोगे बी डालोगे तो आपको एरर मिलेगा। अब मतलब केवल आप वहाँ पर नंबर ही डाल सकते हो, अब नंबर के अलावा आप वहाँ पर कुछ भी नहीं डाल दोगे। यदि मान लो मैं ये डालता हूँ ले गए, अब लेकिन यदि मैं ए डालूँ या बी डालूँ अब ये अलाउ नहीं है, ये देखो ये अलाउड नहीं है, केवल ये नंबर ही लेगा। तो ये काम भी आपने कर दिया, लेकिन यहाँ पे अभी भी एक समस्या है। समस्या क्या है कि यहाँ पे यदि मैं बैक स्पेस करूँ तो भी एरर है, तो आपको ये बैक स्पेस को तो अलाउ करना पड़ेगा ना भाई, कम से कम मैं मिटा तो सकूँ। लिख लिया मैंने, लिखने के बाद क्या हो कि मैं मिटा तो पाऊँ उसे, तो भाई मिटाने के लिए आपको क्या करना होगा, बैक स्पेस को अलाउ करना होगा। तो मैं यहाँ पर क्या बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ इफ़ कैट डॉट इज डिजिट ऑफ ई कैट डॉट इज इक्वल इक्वल टू फॉल्स, यदि वो डिजिट नहीं आपने कुछ और दे दिया, या फिर मैं यहाँ पर शुरू में ही चेक कर लेता हूँ, मैं बोलता हूँ इफ कैट डॉट। अब देखो यहाँ पे सारे हमारे ये मेथड है, मैं बोलता हूँ इज कंट्रोल इज डिजिट इज लेटर ऑफ डिजिट इज नंबर इज पंक्चुएशन इज सेपरेटर इंडिकेट whether the स्पेसिफाइड कैरेक्टर इज अ सरोगेट कोड यूनिट, ये सारे हमारे यहाँ पे ऑप्शंस हैं, इज अपर इज वाइट स्पेस। तो यहाँ पे ये सारे ऑप्शन हमारे इज करके यहाँ पे जो भी हैं ये सारे हमारे मेथड हैं, ठीक, और ये टू करके यहाँ पे जो भी हैं ये कन्वर्ट करने के लिए होते हैं, है ना। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं सीधा सीधा यहाँ पे लगा देता हूँ इज पंक्चुएशन, इज पंक्चुएशन में चेक करता है इंडिकेट whether the स्पेसिफाइड यूनिकोड कैरेक्टर इज कैटेगराइज एज पंक्चुएशनल मार्क। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बेहतर ऑप्शन की मैं यहाँ पे देखो देखो जितने भी हमारे कीबोर्ड में की होते हैं, मैं आपको एक देसी स्टाइल बता रहा हूँ किसी भी तरह के वैलिडेशंस को लगाने का, जब आपको यहाँ पे कोई मेथड वगैरह ना मिले तो। अब जैसे मुझे यहाँ पे बैक स्पेस को चेक करना है, तो बैक स्पेस के लिए मैं क्या करूँ, इस डिजिट है इस नंबर है, तो मैं एक काम कर लेता हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे सबसे पहली बात समझ लो कि यहाँ पे कीबोर्ड में जितने भी कैरेक्टर होते हैं ना सभी का कोई ना कोई स्काई वैल्यू होता है। मैं यहाँ पे बोलता हूँ मैसेज बॉक्स डॉट सो, अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ कन्वर्ट डॉट 2 in 32 ऑफ ई डॉट की कैप, यानी कि कीबोर्ड से जो तुम कैरेक्टर दे रहे हो उस कैरेक्टर को इंटीजर में कन्वर्ट कर दो। अब यदि आप यहाँ पे देखोगे तो आपको आपने जो भी की प्रेस किया उसका स्काई वैल्यू मिल जाएगा, लेकिन ये एरर क्यों आ रहा है, ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि पहली बात जो 2 in 32 होता है उसके अंदर तो आपने कैरेक्टर डाल दिया, अच्छी बात है, लेकिन ये जो इंटीजर में कन्वर्ट हो रहा है ना, यू नीड टू कन्वर्ट दिस इनटू द स्ट्रिंग। तो मैं यहाँ पे क्योंकि मैसेज बॉक्स डॉट शो के अंदर जो कुछ भी जाता है स्ट्रिंग जाता है, तो मैं यहाँ पर बोल देता हूँ टू स्ट्रिंग, अभी हमारा ये सही है, अभी हमारा ये काम करेगा। अब यदि मैं यहाँ पर रन करूँ, ये देखो अब मैं यहाँ पे जो भी कैरेक्टर दूंगा, मैं देता हूँ कैपिटल ए, कैपिटल ए का इसका वैल्यू है 65, अभी मान लो मैं यहाँ पे बोलता हूँ 0, 0 का इसका वैल्यू होता है 48, अब यदि मान लो मैं यहाँ पे देता हूँ बैक स्पेस, तो बैक स्पेस का इसका वैल्यू होता है 8, तो मुझे बैक स्पेस ही तो अलाउ करनी थी, यानी कि 8 वाले को अलाउ करना था। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इसको मैं अभी कॉमेंट कर देता हूँ, ये जस्ट आपके नॉलेज के लिए कि किसी भी कीबोर्ड के कैरेक्टर का स्काई वैल्यू देखना है तो आप ऐसे दे सकते हो। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे चेक करना है कि जो वैल्यू मैं ले रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ इफ इफ कन्वर्ट डॉट 2 in 32 ऑफ ई डॉट की कैर नॉट इक्वल्स टू 8, मतलब यदि वो बैक स्पेस नहीं है तब वो ये सारा काम करेगा, मतलब यदि बैक स्पेस है तो वहाँ पर ये सब करने की जरूरत नहीं है। अब यदि मैं इसको रन करूं, अब आपने यहाँ पर बैक स्पेस को अलाउ कर दिया, मतलब यदि आपने बैक स्पेस को प्रेस किया है तो अब ये क्या करेगा यहाँ पे, अब यदि मैंने यहाँ पर बैक स्पेस को प्रेस किया है, ये देखो मैं यहाँ पे ये डाल रहा हूँ, ए डाल रहा हूँ नहीं लेगा, बी डाल रहा हूँ नहीं लेगा, केवल नंबर लेगा, नंबर डाल दिया। अब मैं बोलता हूँ बैक स्पेस, ये देखो बैक स्पेस ले रहा है, ये बैक स्पेस ले रहा है, तो ये मैं कर दूँ नहीं लेगा, लेकिन नंबर डालूँ लेगा, बैक स्पेस अलाउ कर रहा है। क्यों अलाउ कर रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे ये वाला कोड लिख दिया, ये जो 8 होता है ना ये बैक स्पेस के लिए होता है, ये बैक स्पेस को अलाउ कर देगा।
तो ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है, कोई भी कैरेक्टर लेना है, कुछ लेना है, स्क्वायर वैल्यू ले लो, स्क्वायर वैल्यू को लेके काम कर लो। इस तरीके से तुम स्क्वायर वैल्यू देख सकते हो कि भाई उसका स्क्वायर वैल्यू क्या है जो अलाउ करवानी है, और इस तरीके से आप अलाउ करवा दो 12 ऑफ बैक स्पेस। आप यहाँ पर बैक स्पेस को अलाउ करवा सकते हो, तो जो काम तुम यहाँ पर कर रहे हो यही वाला काम वहाँ पर उठा के कर दो, यहाँ पर उठा के कर दो। ठीक, अब देखो यहाँ पे ये जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स 2 है, ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स 2 है। टेक्स्ट बॉक्स 2 के प्रॉपर्टीज में भी मैं यहाँ पे आता हूँ, तो ये हमारा यहाँ पे कीप्रेस इवेंट है। अभी क्या है, तुमने दोनों टेक्स्ट बॉक्स के लिए एक ही तरह का कोड लिखा है, क्यों लिख रहे हो बार बार कोड? आप एक काम करो, यहाँ पे कर दो टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट की प्रेस, यानी कि इस की के प्रेस पे कौन सा की प्रेस वाला कोड चल जाएगा? टेक्स्ट बॉक्स 1 अंडरस्कोर की प्रेस। मतलब अब आपको ये वाला कोड लिखने की जरूरत यहाँ पे, यदि मैं इसको रन करूँ, जरा गौर से देखो, खुद ब खुद इसके कोड खत्म हो गए। अब यदि मैं यहाँ पे रन करूँ, यहाँ पे मैं रन करूँ, ये देखो मैं यहाँ पे अल्फ़ाबेट दूंगा, एड आ गया, आ रहा है। लेकिन यहाँ पे ये दूँ लेगा, बैक स्पेस दूँ अलाउ करेगा, अल्फ़ाबेट दूंगा ये एरर देगा। अब मैं यहाँ पे ये काम, अब जरा गौर से देखो, ये खासियत है इस विजुअल स्टूडियो की, मुझे यहाँ पे बार बार इवेंट नहीं करवाने कॉपी। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने सिंपली यहाँ पे लिख दिया, मैं काम करता हूँ, यदि मैं इसको हटा दूँ तो, यदि मैं इसको हटा दूँ तो, अब यदि मैं इसको रन करूँ, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। अब इसका मतलब एक ही टेक्स्ट बॉक्स के इवेंट्स को आपने दोनों के ऊपर मैप करवा दिया। भाई आपने यहाँ पे क्या लिखा, आपने यहाँ पे प्रॉपर्टीज में आए, आपने यहाँ पे की प्रेस करवाया, आपने यहाँ पे की प्रेस करवाया टेक्स्ट बॉक्स 1 की प्रेस, बहुत अच्छी बात है। और जब यहाँ पे आए तो तुमने फिर क्या बोल दिया, फिर तुमने यहाँ पे बोल दिया टेक्स्ट बॉक्स 1 की प्रेस। यहाँ पे मैंने कोई नया मेथड नहीं लिया। अब यदि नया लेना चाहते हो तो डबल क्लिक कर दो, इसको रिमूव कर दो, तो नया मेथड आ जाएगा। तो हम बार बार एक ही कोड को क्यों लिखें? तो एक ही में से आपने दोनों काम अपना करवा दिया, समझ में आई बात? चलो अब यदि मैं इसको रन करता हूँ तो ये हमारा कोड भी आपने मिनिमाइज कर लिया, अब आपने बैक स्पेस और ये तमाम चीज़ें कर दी। अब यहाँ पे मैं इसको करता हूँ एंटर नंबर, और जैसे मैं यहाँ पे एक करता हूँ तो ये मैसेज आ जाता है ओनली डिजिट अलाउड। लेकिन ये मैसेज जो है ना, ये पुराने ज़माने की बात हो गई, अब लोग मैसेज नहीं देते, थोड़ा सा स्टाइल चेंज करते हैं, अब हम मैसेज नहीं देते हैं। तो अब आपने क्या करा, यहाँ पे मैसेज दे रखा है, मैसेज बॉक्स के जगह आप यहाँ पे काम कर लो। हम यहाँ पे टूल बॉक्स में आते हैं, टूल बॉक्स में एक होता है यहाँ पे एरर प्रोवाइडर, यहाँ पे एक होता है एरर प्रोवाइडर, तो मैं यहाँ पे एरर प्रोवाइडर को लेता हूँ। ये राजी हमारा एरर प्रोवाइडर, अरे ये नीचे आ गया, हाँ जी। कुछ ऐसे कंट्रोल होते हैं जिसकी पोजिशन नीचे में होगी, ठीक, उनका कोडिंग रन टाइम में वो वहाँ पर आएगा। तो ये जो एरर प्रोवाइडर है, तो मैंने यहाँ पे एरर प्रोवाइडर ले लिया, और एरर प्रोवाइडर के प्रॉपर्टीज में आ जाओ, ये इसका प्रॉपर्टीज है। और यहाँ पे ये देखो इस तरह के आइकॉन बन के आएंगे, आप आइकॉन चेंज भी कर सकते हो, ये यहाँ पे ब्लिंक करके आएगा, जो आ रहा है आने दो, कुछ ज़्यादा करें कलाकारी करने की जरूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे कोडिंग करता हूँ, जहाँ पे तुम लिख रहे हो ना ओनली डिजिट अलाउड, तो मैं यहाँ पे काम कर लेता हूँ, यहाँ पे इसको कमेंट कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे बोलता हूँ एरर प्रोवाइडर 1 डॉट सेट एरर, एरर सेट कर दो। अब ये एरर किसके ऊपर सेट करनी है भाई? टेक्स्ट बॉक्स 1 के ऊपर करनी है, टेक्स्ट बॉक्स 1 के ऊपर करनी है, कॉमा। अब एरर में मैसेज क्या देना है, तो मुझे यहाँ पे मैसेज देना है कि ओनली नंबर्स अलाउड, नंबर्स अलाउड डाल दिया। अब यदि मैं इसको रन करूँ, अब यदि मैं यहाँ पे इसे रन करता हूँ, तो अब देखो मैंने यहाँ पे ABCD दिया। आदि मान लो मैं यहाँ पर नंबर डालता हूँ, ये देखो मैंने कुछ और डाला, ये मैसेज आ गया, ये यहाँ पे दिखा रहा है ओनली नंबर अलाउड। लेकिन अब समस्या ये है कि यदि मैं यहाँ पर नंबर डालूँ तो ये जा नहीं रहा है, नंबर डालते के साथ ही तो जाना भी चाहिए ना। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, इसके की प्रेस पे एक काम और करवाना है। क्या काम करवाना है, जैसे मैं की को प्रेस करूँ तो कम से कम वो हट जाए। तो मैं यहाँ पर बोलता हूँ एरर प्रोवाइडर 1 डॉट डिस्पोज, डिस्पोज कर दो ना। अब यदि मैं इसको रन करूं, अब जैसे मैंने यहां पे नंबर ए डाला बी डाला, ये एरर मैसेज आ गया, ये देखो, लेकिन ये आ रहा है, जैसे मैंने लिखना शुरू किया वो चला गया। यही काम मान लो यदि मैं यहां पे करता हूं, अब यहां पे एक समस्या हो गई ना बॉस, ये जब मैं टेक्स्ट बॉक्स 2 पे कर रहा हूं वैलिडेशन तो लग रहा है, लेकिन एरर प्रोवाइडर यहां आ रहा है,
एरर प्रोवाइडर तो यहाँ पे आना चाहिए ना टेक्स्ट बॉक्स 2 के बगल में। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या डाला है, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, मैं टेक्स्ट बॉक्स 1 डाला है। तो बेहतर ये होगा कि आप यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स 1 ना डाल के, मैं काम कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे बोलता हूँ सेंडर डॉट मुझे क्या करना है यहाँ पे कि वो यहाँ पे भी आ जाए, यहाँ पे इस पे किस में आ जाए और यहाँ पे इस किस में आ जाए। तो मैं एक काम कर देता हूँ, मैं यहाँ पे बोल देता हूँ बेसिकली मुझे यहाँ पे करना क्या है, मुझे यहाँ पे ये वाली वैल्यू पास करनी है। मतलब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि भाई ये सेंडर के जगह जिस टेक्स्ट बॉक्स को लेके मैं काम करूँ वहाँ पे ये चीज़ सेट हो जाए। तो मैं यहाँ पे उस टेक्स्ट बॉक्स को रिप्रेजेंट कैसे करूँ कि कौन सा टेक्स्ट बॉक्स है, अभी मैं टेक्स्ट बॉक्स 1 पे काम कर रहा हूँ या टेक्स्ट बॉक्स 2 पे काम कर रहा हूँ। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे देखना है कि भाई किसको लेके काम करें। तो मैं काम करता हूँ यहाँ पे, बेसिकली देखो सेट एरर के बाद यहाँ पे जो पहली चीज़ जाती है वो जाती है कंट्रोल। तो मुझे यहाँ पे कंट्रोल डालना है, लेकिन यहाँ पे मैं सेंडर दे रहा हूँ, सेंडर तो ऑलरेडी ऑब्जेक्ट टाइप का है। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ दिस डॉट अब देखो जी, मैंने यहाँ पे कुछ गलत करने की कोशिश करी, ये यहाँ पे आ गया।
और अभी मैंने यहाँ पे कुछ गलत करने की कोशिश की, यहाँ पे आ गया गुड। अब ये दोनों के ऊपर काम कर रहा है। तो आप यहाँ पे क्या करना, आपको करना क्या था यहाँ पे, मैंने करा यहाँ पे एरर प्रोवाइडर वन डॉट सेट एरर, एरर सेट करा किसके ऊपर, पहले हमने यहाँ पे क्या करा था, टेक्स्ट बॉक्स वन या टेक्स्ट बॉक्स टू डाला था। लेकिन समस्या ये है कि मैंने इस इवेंट को मैप कर रखा है दो टेक्स्ट बॉक्स से, तो मुझे यहाँ पे ये ध्यान रखना होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, एरर प्रोवाइडर वन डॉट सेट एरर, मैंने यहाँ बोला सेंडर, सेंडर हमारा कौन है, टेक्स्ट बॉक्स जो इवेंट जनरेट कर रहा है, तो हम उस सेंडर को क्या कर रहे हैं यहाँ पे कंट्रोल में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब यदि मैं यहाँ पे रन कर रहा हूँ तो ये हमारे यहाँ पे काम कर रहा है, अब यदि मैं यहाँ पे रन कर रहा हूँ तो ये हमारे यहाँ पे काम कर रहा है। समझ में आई बात? अब देखो, चलो ये काम भी हो गया, ये काम भी आपने कर लिया। अब मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ, काफ़ी कुछ लगा दिया आपने, वैलिडेट कर दिया पूरे टेक्स्ट बॉक्स को आपने। अब मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ कि देखो, कोई भी आएगा यहाँ पे क्लिक करके क्लोज करके बाहर निकल गया। अब ऐसे किसी को बाहर निकलने के लिए परमिशन थोड़ी दोगे तुम। तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे, राइट क्लिक प्रॉपर्टीज़, और यहाँ पे हमारा इवेंट होता है, और हमारा यहाँ पे इवेंट कौन सा होता है, हमारी इवेंट होती है यहाँ पे फॉर्म क्लोजिंग। एक होता है क्लोज्ड और एक होता है क्लोजिंग। क्लोजिंग मतलब जब तुम क्लोज कर रहे हो, तो मैं यहाँ पे फॉर्म के क्लोजिंग पे कोड लिखता हूँ। अब मैं यहाँ पे फॉर्म के क्लोजिंग पे कोड लिखता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ इफ़ ई डॉट मैं यहाँ पे बोलता हूँ मैसेज बॉक्स डॉट सो, मैं यहाँ पे बोलता हूँ मैसेज बॉक्स डॉट सो, मैं यहाँ पे बोलता हूँ वॉन्ट टू क्लोज। भैया आप इसको क्लोज करना चाह रहे हैं? अब जनता बोलेगी यस सर क्लोज करना है हमें। यहाँ पे डाल दो टाइटल, टाइटल में मैं यहाँ पे देता हूँ क्लोज विंडो। अब मैं यहाँ पे क्या देता हूँ कॉमा। अब मैं यहाँ पे क्या देता हूँ कैप्शन, लाइक ये आपने टाइटल डाल दिया। अब मैं यहाँ पे क्या देता हूँ टाइटल के बाद, मान लीजिए मैं यहाँ पे देता हूँ मैसेज बॉक्स बटन डॉट यस नो, या तो यस होगा या नो होगा। चलो आइकॉन भी दे दो, थोड़ा अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ मैसेज बॉक्स आइकॉन, आइकॉन डॉट। अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ले लेता हूँ, ठीक। अब मैंने यूजर से पूछ लिया कि भाई आप बाहर निकलना चाहते हो। अब मैं आप बोलता हूँ डायलॉग रिजल्ट DRS इज इक्वल टू, ले लिया। अब तुम वहाँ पे जो भी करोगे, या तो यस करोगे या नो करोगे, वो कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे क्या करना है मुझे, मैं यहाँ पे बोलता हूँ इफ़ DRS डॉट टू स्ट्रिंग, मैं इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता हूँ, इज इक्वल इक्वल टू यस। तुमने बोला हाँ जी बाहर निकलना है मुझे, अब बाहर निकलना है, आपने बोला जी नहीं, चलो यस तो बाई डिफॉल्ट काम करेगा इस पर, क्योंकि वो क्लोज ही करेगा। तो मैंने बोलता हूँ, मैंने यहाँ पे बोला इफ़ DRS इज इक्वल टू, मैं आप बोलता हूँ नो। आपने बाहर निकलना, नहीं निकलना। अब नहीं निकलना है तो क्या करोगे, अरे नहीं निकलना है बाहर तो आप क्या करोगे, ये जो बाहर निकलने की प्रोसेस है इसको बंद करो। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ ई डॉट कैंसिल इज इक्वल टू, मैं आप बोल देता हूँ ट्रू, मतलब कैंसिल कर दो। ई क्या है हमारा, फॉर्म क्लोजिंग इवेंट टास्क का ऑब्जेक्ट है। अब यदि मैं इसको रन करूँ यहाँ पे, अब यदि मैं इसको रन करूँ, अब मान लो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया वॉन्ट टू क्लोज, नो नहीं करना है भाई, वॉन्ट टू क्लोज यस। अब यस करोगे तो बंद होना ही है, वहाँ पे क्लिक करोगे तो बंद होगा, लेकिन जैसे तुम वहाँ पे करोगे, मैं बोलता हूँ नो मुझे बंद नहीं करना, भाई ठीक है यहाँ पर आ जाओ। समझ में आई बात? तो यहाँ से आप पता कर सकते हैं कि भैया आपको बंद करना है, बाहर निकलना है, क्या करना है, ठीक। तो यहाँ पे आपने क्या कर दिया, फॉर्म के क्लोजिंग पे आपने कोड लगा दिया। ये यहाँ पे ध्यान रखना है कौन से इवेंट के ऊपर हमें कौन सा काम यहाँ पे करना है। तो मैंने फॉर्म के क्लोजिंग पे यहाँ पे काम कर दिया। तो ये हमने फॉर्म के क्लोजिंग पे काम कर दिया, ये हमने टेक्स्ट बॉक्स को वैलिडेट कर दिया, ये हमने वहाँ पे बटन्स के ऊपर वैलिडेशन लगा दिया, और ये यहाँ पे हमने शुरुआत में जो काम